आजमगढ़ में शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के कथित बयान पर जनपद के कांग्रेसियों में उबाल आ गया। उनके खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया, जिसका नेतृत्व शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम और अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह ने की। AICC सदस्य कौशल कुमार सिंह मुन्ना जी ने कहा कि अनुराग ठाकुर की जाति जानने में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है, लेकिन अपने चरित्र का परिचय आप बार बार देते हैं, गोली मारो जैसे भड़काऊ भाषण देकर और सदन में राहुल गांधी की जाति पूछकर आप हर बार ऐसे नफरत वक्तव्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में ये आपकी उपयोगिता है, यही ट्रोल बने रहने में आपका फायदा है। अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि निर्मला सीतारमण जी जातीय जनगणना पर हंस रही थी और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने सारी मर्यादा ही लांघ दी, जिसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए कम है। राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को मर्यादा भंग करने के लिए अब मैदान में उतारा गया है। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जी की जाति जानना चाहते हैं, जिस पर दादा इस देश की आजादी के जंग के दौरान 9.5 साल जेलों में रहे, जिसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी, जिसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, जिसकी मां लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित हैं, और खुद राहुल गांधी जी उनके सामने खड़े रहने की ना तो आपकी नैतिक हैसियत है और ना कद। राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर रामचेत मोची से पूछिए। नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज किसका पुतला फूंके आप लोग? आज हम लोगों ने जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश व्यापी काल थी। अनुराग ठाकुर ने जो कल जो है अनर्गल बयान दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, वो ये नहीं जानते कि राहुल गांधी जी जातिवार जनगणना के पक्ष में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और देश की 80% जनता जातिवार जनगणना चाहती है, और वो राहुल जी की जात पूछ रहे हैं, जिसके खानदान का एक एक व्यक्ति, जिसका पर्सनल खुद पिताजी शहीद हुए देश के नाम पे, दादी शहीद हुई आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका परिवार का एक एक आदमी जेल गया है, उसकी जाति वो पूछ रहे हैं। वो देश की संपत्ति हैं, वो सर्व समाज के नेता हैं, वो किसी एक जाति को लेकर चलने वाले शख्स नहीं है। राहुल गांधी देश की 130 करोड़ आबादी का नेतृत्व करते हैं, वो हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के हैं। भाजपा के अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को माफ़ी मांगना चाहिए, और भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, उनका जो समर्थन अनुराग ठाकुर का किया जा रहा है जातिवार जनगणना के खिलाफ भाजपा जो कर रही है, उनका चाल चरित्र और चेहरा उन देश के सामने देखा जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री जी जो अनुराग ठाकुर का सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद पिछले दिनों बताते चले हैं कि मैं जो है बैकवर्ड समाज से हूं, तो वो ये बताएं कि ये इनका जो समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि वो क्या जातिवार जनगणना के खिलाफ हैं। देश जानना चाहता है, देश की 80% जनता को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये उनको बताना चाहिए देश की जनता को। इसमें BJP पूरी तरह बेनकाब हुई है, और अनुराग ठाकुर के बयान को की जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।